देखिए मुनमुन को, आर्यन को और अरबाज को, तीनों को अभी जो बेल मिली है, सबसे पहले तो हम खुशी यही है कि तीनों की बेल ग्रांट हो चुकी है। इतनी हमने जो मेहनत और मुशक्कत जो की हुई थी, आज फाइनली एक ऑपरेटिव पार्ट आ चुका है इसके बेसिस पे। अभी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर क्या आती है क्या नहीं आती है वो इंपॉर्टेंट है हमें देखना, क्योंकि मैंने खुद ने के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सेक्शन 29 का बहुत गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, और इसके हिसाब से सेक्शन 29 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आनी बहुत जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस सेक्शन के ऊपर तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आएगी। और दूसरी चीज, हम उम्मीद कर रहे हैं कि लॉटर की कॉपी मिल जाएगी, एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट एक रोजनामा जो है वो अपलोड हो जाए। किस ग्राउंड्स पे आज जो है हाईकोर्ट ने बेल दी है? देखिए ग्राउंड्स अभी मेंशन हुआ नहीं है क्योंकि ऑपरेटिव पार्ट पे ही सिर्फ वर्बली ऑर्डर पास हुआ है। कल जब पूरा ऑपरेटिव ऑर्डर आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि ऑर्डर्स क्या है और किस बेसिस पे ये अलाउ हुआ है। एनसीबी ने डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं इसके बारे में क्या कहना है? एनसीबी ने डॉक्यूमेंट्स में मेजरली जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किए हैं जो नीचे की कोर्ट में उन्होंने सेम सबमिशन दिया हुआ था। उसके अलावा एनसीबी ने कुछ, जहाँ तक आर्यन की बात है, वही बात की हुई है कि इन्फ्लुएंशियल है, विटनेस टैम्परिंग की हो सकती है पॉसिबिलिटी। आप लोग के फेवर में क्या रहा, कोई नई बात एनसीबी की तरफ से नहीं आई है? जहाँ तक मुनमुन का सवाल है, सीएमएम कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में कोई भी चीज़ को ज़्यादा पुटअप नहीं किया हुआ गया था। हाईकोर्ट में एक एनसीबी नया ग्राउंड लेके आई थी मुनमुन के खिलाफ, वो ग्राउंड में उन्होंने ये रखा कि जहाँ तक हमारा बोलना ये था कि वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो आज एनसीबी ये बोल रही है कि वो कनेक्टेड थी और वो अक्यूज नंबर सो एंड सो जो स्मिथ है, स्मिथ से कनेक्टेड थी और उसके खिलाफ सीडीआर रिकॉर्ड भी उनको मिला था, उनका ये सबमिशन था। बट उसके काउंटर में हमारे पास कुछ काउंटर सबमिशन थे, एक जजमेंट भी था हाईकोर्ट का जो उसके अगेंस्ट था, लेकिन उससे पहले ही वो सबमिशन दे हमारा एप्लीकेशन अलाउ हो गया। समीर वामखेड़े की ओर से ये कहते हुए कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कर सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो, और हमें एप्रीहेंशन है कि हमें इस तरीके से, गलत तरीके से अरेस्ट किया जाएगा और हमें हरास किया जाएगा। ज्यादा एलिगेशंस में ना जाते हुए कोर्ट में सुनने के बाद और बहस करीब आधा घंटा 20 मिनट होने के बाद स्टेट का एक कंसेंट रिकॉर्ड किया कि अगर कोई भी एफआईआर या कोई भी इन्होंने अरेस्ट करना है मेरे क्लाइंट को तो 72 घंटे मतलब 3 दिन वर्किंग डेज का नोटिस दिया जाएगा। ये फैसला हुआ। आई एम नॉट गोइंग इन टू एनी एलिगेशन, दिस इज व्हाट इज द ऑर्डर। मांग की थी आपने सीबीआई और एआईएनआईए को जांच दी जाए। ओरिजिनली मेरे पिटीशन के अंदर ये था कि हम किसी भी तरीके से किसी भी एजेंसी के आगे पेश होने के लिए तैयार हैं जो निष्पक्ष है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के हाईएस्ट ने हमारे खिलाफ एक मुहिम चालू की है और उस मुहिम के तहत एक एसआईटी का निर्माण हुआ है बिना एफआईआर दर्ज किए। इस समय कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ इतना है कि अगर कोई मेरे क्लाइंट को अरेस्ट करने की चेष्टा है सरकार की तो 72 घंटे का या 3 वर्किंग डेज का नोटिस। सर राज्य सरकार की क्या भूमिका थी, राज्य सरकार ने क्या दलीलें रखी? वो आप राज्य सरकार के किस तरह से विरोध किया? राज्य सरकार समीर वानखेड़े की इंक्वायरी करेगी, ये आप उनसे पूछिए। सर मैं तो वानखेड़े का वकील हूँ, मेरे से वानखेड़े। सर एक बार फिर से दोहरा दें सर, लाइव आप जा रहे हैं, आज आपने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, क्या कहा था उस पिटीशन में और अदालत ने क्या? हमने पिटीशन में ये कहा था कि एक पहला फाइल इंटेंशन के साथ मेरे क्लाइंट के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट एक पर्सनल वेंडेटा लीज कर रही है, उसको रोकने के लिए कोर्ट की प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। बहस सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद फैसला ये हुआ कि 3 वर्किंग डेज का नोटिस दिया जाएगा अगर कोर्ट भी प्रोसीड करना है मेरे क्लाइंट।